ज्यादा हस्त मैथुन के नुकसान लोग हैं जान, इसके बारे में आज बात करने वाला हूं। वैसा देखा जाए तो हस्त मैथुन यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हाथ से किया हुआ मैथुन उसको हस्त मैथुन बोलते हैं, मतलब हाथ से किया हुआ सेक्स। जब अकेले ही सेक्स करते हैं अपने आप से अकेले में और लिंग का घर्षण करते हैं हाथ से, तो वह हस्त मैथुन होता है और उसमें उतना ही मजा आता है जितना सेक्स में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली लिंग जो है उसका घर्षण होता है तो एक अच्छी फीलिंग आती है। अच्छी फीलिंग आती है तो नेचुरली अच्छा लगता है, और जब वो घर्षण करते हैं फ्रिक्शन होता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है और वीर्य बाहर निकलता है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, लोग खुद करते हैं हस्त मैथुन या फिर एक दूसरे का करते हैं, लड़के लड़के बैठ के करते हैं, लड़के लड़कियाँ करते हैं या पति पत्नी करते हैं हस्त मैथुन, मगर ज़्यादातर खुद करते हैं हस्तमैथुन। हस्तमैथुन से कोई दुबलापन, छोटापन, मोटापन, ढीलापन कुछ भी नहीं होता, टेढ़ापन कुछ भी नहीं होता है। फिर हस्तमैथुन से नुकसान क्या होता है? ज़्यादा हस्तमैथुन किया तो नुकसान होता है। एक तो क्या होता है कि ज़्यादा हस्तमैथुन किया तो उसकी एक आदत सी बन जाती है, मतलब वो प्री ऑक्यूपेशन हो जाता है दिमाग में कि वही 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 विचार आते रहते हैं। अच्छा लगता है तो फिर वही विचार आएंगे, अच्छा लगता है फिर वही विचार आएंगे, फिर वो करेगा। तो दिन में 3-4 बार हस्तमैथुन कर रहा है और वही विचार आ रहे हैं, तो एक प्रकार का वो एडिक्शन हो गया या एक प्रकार का वो ऑब्सेशन हो गया। ऑब्सेशन में होता है, यदि वो ऑब्सेशन है तो ऑब्सेशन में मजा आता नहीं है, बार बार करने की इच्छा होती है, वो ऑब्सेशन कंपल्शन है और मजा ना आते हुए भी करना पड़ता है क्योंकि वो कंपल्शन, इसलिए वो करता है, मजा नहीं आता तभी भी, मतलब एंजॉयमेंट नहीं तभी भी वो करेगा, तो वो कंपल्शन हो गया। मगर मजा आ रही और कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यदि वो उसमें प्री ऑक्यूपेशन है, दिन में 3-4 बार 5 बार चालू है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोग ऑब्सेशन और कंपल्शन के वजह से एक्चुअली उसके ऊपर छाले आते हैं लिंग के ऊपर घर्षण करने से, और तभी भी उनको वो करना ही पड़ता है, करने में मजा आ रही है और छाले आने के बावजूद भी वो हस्त मैथुन करते हैं, और वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि छाले आ रहे हैं, अल्सर हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, आग हो रही है अंदर बहुत, तो तभी भी वो हस्तमैथुन करने की उसकी इच्छा हो रही है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। फिर दूसरा हस्तमैथुन और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि जब पत्नी घर में है, आपकी पार्टनर है, उसके साथ में सेक्स करना चाहिए, मगर आप उसके साथ में सेक्स न करते हुए हस्तमैथुन कर रहे और अपने खुद को शांति ले रहे या सेक्स का एंजॉयमेंट कर रहे। अब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पत्नी के साथ में सेक्स करने में टेंशन आता है, प्रेशर आता है, उसको लगता है कि मैं करूंगा नहीं, पत्नी के साथ में इरेक्शन आएगा नहीं, पत्नी के साथ में इरेक्शन नहीं आया जल्दी गिर जाएगा तो क्या होगा, मतलब पत्नी के साथ में या कोई पार्टनर के साथ में सेक्स करना है तो उसको बहुत टेंशन होता है, बहुत एंग्जाइटी होती है, और इसलिए वो टालते रहता है। खुद अकेला जब रहता है तो कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस करना नहीं है किसके सामने, ना किसको बताने का है, कुछ भी करने का नहीं है, तो अकेला अकेला है, नो टेंशन, तो फिर वो अच्छा सेक्स कर सकता है, हस्तमैथुन कर सकता है अकेले में। तो पार्टनर की इच्छा है और पार्टनर की इच्छा होने के बावजूद भी सेक्स न करते हुए हस्तमैथुन करना है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये नुकसान है हस्तमैथुन का। तीसरा, हस्तमैथुन करते हैं और बाद में फिर सेक्स नहीं करते तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपने हस्तमैथुन किया, वो एक्साइटमेंट खत्म हो गया, अब पत्नी बोल रही कि करो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी कर नहीं पाते, कर नहीं सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये हस्तमैथुन के ये नुकसान है। यदि कंपल्शन हो रहा है, करना ही पड़ता है, इच्छा नहीं तभी करना पड़ता है, 5-6 बार कर रहे हैं, छाले आ रहे हैं, प्री ऑक्यूपेशन है, बहुत बार करना पड़ता है, फिर पढ़ाई नहीं हो रही है, या फिर नॉर्मल सेक्स नहीं हो रहा है, या नॉर्मल सेक्स के बदले हस्तमैथुन कर रहे हो और उसके बारे में फिर संघर्ष हो रहा है पति पत्नी में कि तुम सेक्स नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली सेक्सोलॉजिस्ट का सलाह लेना चाहिए। इसके बारे में आपको कोई भी सवाल होंगे तो जरूर नीचे नंबर दिए उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।